गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे तो मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों, आज की दिन की जो शुरुआत कर रहे हैं, सुबह के 7 बजे है। तो दोस्तों, अभी मौजूद हूं मैं खैरना चौराहे के पास। तो सुबह सुबह देख लीजिए मौसम कैसा है, बहुत ठंड पड़ चुकी है खैरना चौराहे में भी, और खैरना में दोस्तों तगड़ी वाली ठंड पड़ती है। दोस्तों, सुबह बुकिंग लेके आ गया था खैरना, तो रमेश दा को जाना था मुनस्यारी, तो सुबह उनका फ़ोन आ गया था, तो उनको छोड़ना था खैरना। तो सुबह जो है मुनस्यारी की जो गाड़ियाँ चलती हैं तो मॉर्निंग ही चली जाती हैं, तो इसलिए जल्दी आ गया था। जैसे ड्राइवर ने लगा रखी है, आग जला रखी है सामने वो चौराहे के पास, तो जरा आग सेक लेते हैं। थोड़ा हाथ जो है ना ठंड की वजह से अकड़ी गए हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ सुबह ठंड जो है, अब झाड़ू वाड़ू मार रहे हैं सुबह पहले। तो अभी जो है गाड़ियाँ अभी पहाड़ों से पहुँची नहीं है, तो यहाँ से हमारा बेताल घाट, सिमलखा और अलग अलग जगहों की गाड़ियाँ लगती हैं नंबर पर, और ये रानीखेत की गाड़ियाँ सुबह पहुँच जाती हैं। तो इन्होंने लगा दिया है नंबर। हमारा जो चौराहा है ना, ठंड बहुत ज़्यादा रहती है खैरना, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, और सुबह सुबह यहाँ पर लगा रही है आग। थोड़े आग सेक लेते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे घर को। तो आज है दोस्तों बारात थापरी से, तो 9:30 तक जाएगी, तो घर पे जाके नहा धो के फिर जाएंगे बारात में। तो गोपालदा भी आ चुके हैं, कल गए थे दादा जागेश्वर। तो जागेश्वर और रूट बताता हूँ आपको कैसा रहेगा, क्योंकि अल्मोड़ा वाला रूट जो है बंद पड़ा है बहुत समय से, तो जगह जगह बार बार मलवा जा रहा है। तो कल ये है हमारे गोपुदा, कल तुम कहाँ गए थे? जागेश्वर। तो रूट क्या, कौन सा वाला था आपका जागेश्वर जाने के लिए? बेड़गांव वाला भाई। बेड़गांव वाला, तो रूट कैसा है मुझे बता दीजिए, कभी हम लोगों को भी अगर जाना हो तो। कितना किलोमीटर बैठ रहा हूँ? हैं? समथिंग 90 किलोमीटर बैठ रहा है। 90 किलोमीटर बैठ रहा है, मतलब 20 किलोमीटर फालतू बैठ रहा है अगर जागेश्वर आप जा रहे हो तो। तो दादा कल गए थे, और जो आजकल जो अल्मोड़ा वाला रूट है ना, आप देख सकते हैं सुन्न पड़ा है, इसमें गाड़ियाँ बहुत कम चल रही है सुबह सुबह, क्योंकि जो है अल्मोड़ा क्वारब के पास रोड बार बार ब्लॉक हो जा रही है, तो इसकी वजह से रोड यहाँ से डिवाइड कर दिया है, बाहर रानीखेत जा रही हैं गाड़ियाँ। तो ये वाला रूट देख लीजिए, सुबह सुबह सन्नाटा जैसा छाया है, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, और कुछ गाड़ियाँ निकल जा रही हैं भुआली से ही, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ वाली गाड़ियाँ वहाँ से निकल जा रही हैं, और महेंद्र जोशी निकल गया है बैंड बाजा लेके। तो आजकल चल रही है मंगसिर का महना, तो आज है दोस्तों 4 पैठ, तो आज दूसरी बारात है, तो आजकल चल रही है बारात है, और ये आ गई है मुनस्यारी की गाड़ी। दादा जा रहे थे मुनस्यारी, तो मैं उनको खैरना छोड़ने आया था सुबह, तो मुनस्यारी की जो है गाड़ी आ चुकी है, तो इनको बिठालते हैं। तो ये बैठ गए हैं मुनस्यारी के लिए। तो कितना घंटा लग जाएगा दाजू यहाँ से जाने में? 9 घंटे 9 घंटे यहाँ से लगेंगे। तो अभी हम हैं खैरना चौराहे के पास, चलो ठीक है बाय। तो टाइम जो अभी है 7:15 है, तो निकल चुके हैं मुनस्यारी के लिए। तो मैं सुबह आ चुका था इनको छोड़ने के लिए, तो 7 बजे का टाइम था, तो 15 मिनट लेट हो गई थी गाड़ी। तो चलते हैं घर को भी अब, तो मुझे जाना है दोस्तों थापली से बारात में, तो नहाना धोना है, तो निकलते हैं घर को अब। तो दगड़ियों मैं पहुंच गया रोड में, और मैं खैरना पर उड़ूँ, और मगर मिल गई यहाँ नान, तो यूँ जानी दगड़ियों ट्यूशन में, और जो हमारा रोड में बहुत ठंडा है रहो, तो आप जन घर और नए धोबेर फिर जुल बारात में। और तुम तो देखो ना ये जो हाव चल रहे ना तगड़ वाल, बहुत भयंकर वाला हाव चली है, तो मैं ढग रहा एरियन जॉज बन नहीं बन रहा, तो ये जो टॉप चल रहा है जो फैशन में, तो ये वो जल क्यों नहीं कान वान छुपी जी नहीं, तो ठंडे हरू ने, तो ये वजन मैं जस पहन रहा हूँ, और जन अब घर हूँ। तो दगड़ियों एल में पहुँच गूँ घर में, तो रती जरो खैरना गर्म पान, तो आप करन नान धोने तैयारी, तो मैल कर है गर्म पान लगा है, तो आधु घंटा भेजो गर्म पान, और राती बहुत ठंडे है रहो गर्म, बिना गर्म पानी आप नहीं सकना, तो तू ठंडे है रहो। तो दगड़ियों टाइम है गो 10:15 है कि मैं पहुँच गूँ थापे में, तो थापे पे जो बारात जाना यार सिमराड़ खलाड़ जाना दगड़ियों, और देख लीजियो सब गेट पहुँच गए। तो एजलू चलो मंगसरे महल, तो हम वहाँ तो नहन एक भी आला ना, तो हम दोहर दोहर गाँव में जाऊँ बारात में, और यो सो आज हरी से हमारे ठेकेदार दगड़ियों, ठेकेदार यानी जो गेट ठेकेदार भैती कि नहीं, जो गेट बुक करूँ, तो ये अंडर में आज 15 गेट, तो 15 गेट जो छी ये अंडर में छी, और हम लोग एक अंडर में छी, और यो ब्योला नाम के छो भरत, और विशाल के छो वैशाली, वैशाली। तो दगड़ियो आज जो हम बारात में जानू थापे पे, तो भरत वैशाली ब्यास दोस्तों, ये है दूल्हे का भाई, और तू कब जॉब कर सो? पूना, पूना में दगड़ियो, पूना में जॉब करूँ, मतलब आज हमारे जो है ना ड्राइवर वालू, तो मतलब बियर पियन और हरू पियो दगड़ियो, तो सब चल जी दगड़ियो एक और यो हमें व्यवस्था करे, और हमारे पीरी भाई भी आ चुके हैं, तो जरूर यो मेरे तो चंदन भाई को शादी में जा रहे हैं, पार्टी चंदन भाई की रहेगी। ना 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 ना, यो गलत बात से, तो यो मेरे वीडियो में आते रहूँ, और तुम एक जरूर पहचानो, उन्होंने लोकल वाल जरूर पहचान लेता। तो दगड़ियो ए लीजिए चेल चाहे हमुक, तो जैसे मैंने मंगशीरो का महना है लगनों का दीना, एक जल्दी बने दे ये वाल। तो दगड़ियो
और एक जी अगर कोई चेल हली तो जरूर बता दिया ये भी करण सा मूल अखिल मंगशीर था तो ठाड़ है जो लेला ठीक से तो बढ़िया डबल का मुंह छोड़ गया चलो और डंफल से नोट पर रेडी से नोट अगर कोई चेली हरा तो जरूर बताया लीजिए। और दगड़ियों मत मुँह देखूल पहाड़ों में तो लाइन पर लगे हली सब गाड़ी तो यहाँ जो आ छोट गया जाल क्योंकि वहाँ बस नहीं पहुँचन और यूँ आएगी हमार ये देख लियो इनको पछाड़ लीजिए इन्हें नाम कैसे जरूर बताया अगर इनको कोई पछाड़ जाता और ये देखो यूँ वाल मूछू वाल छी दाद और यूँ छी हमार चुटिया वाले देख लीजिए बस संस्कारी ड्राइवर है हमारे वहाँ ऐसा नहीं है सब चुटिया वुटिया सब बताइए। और ये चाचा ने नोट देगा नोट बुना देगा बुढ़ एहला जवाना दिखाणी तो ये लगी है सब गाड़ियाँ और हम लगा रहे हैं चीट चटका रहे हैं सभी गाड़ियों में चीट चिपका के तो उसको मैं पता चलेगा कि ये बारात की गाड़ी है करके वो ना एक्स्ट्रा आजकल सवारी बिठानी है नहीं दोस्तों बड़ी सख्ताई है ज़्यादा सवारी नहीं बिठानी है। ये बैठे हैं हमारे चाचा लोग बैठ गए हैं कैसे में क्या लिख रहा ये भरत और वैशाली वैशाली ठीक से तो दगड़ियो यो थापली गांव और तली दिखाना और डीजे बजना शुरू है दगड़ियो बारात होने होना तैयार और हम तो यहाँ लोटो में थी और सामने जो हमें कोशिया इलाके जाना यहाँ पे कोशिया घाटी तो तल्ली से तल्ला बढ़ दो और मल्ला बढ़ दो और सामने इन दगड़े बस गाँव शिमलखा दिख जाओ यहाँ पे। ये चचा लोग सभी लोग हो चुके हैं तैयार बारात में जाने के लिए तो समय हो चुका है 10:15 से ज़्यादा तो 11 बजे तक रोड में पहुँचेगी लोगों की ही बारात है तो आराम से ही जाएंगे। दगड़ियों फूल और शैन और जो बरती जो आजकल जानी ना दगड़ियों सब छन नन नन जानी तो लोकल बारात से और तुम्हारा नाम किस रहे नोनो पहली मगे बताओ हार्दिक से ये हार्दिक पांड्या से तू ना जलाल जलाल है और तेरा नाम किस ऋषभ जलाल अच्छा ऋषभ ये सर बड़े बड़े नाम है यार स्टार से कम नहीं है भाई जो भी ये नाम जी ने स्टार है कम है यार ये नाम है हार्दिक है और ये है ऋषभ तो बड़े बड़े स्टार है यार नाम क्या धरती तुम्हारे तुम अब मन धरिया बात सुनो अगर तुमको सुनो बात सुनो अगर तुमको बरेत नहीं लिखो तभी कोई यूँ कह देना उतारा सही नहीं तुमको पर तुम डांट दे नहीं माला नहीं माला ना डांट क्योंकि अल्लाह हम कुल यूँ ननाके बरे मिल जाने से क्योंकि वहाँ हीट पे जाने से ना और तुम स्कूल के लिए नहीं गए बतो तो दगड़ियो बराता चल छुट्टी क्या छुट्टी जाए क्या छुट्टी से झूठ नहीं बोलो बड़े बरेती नहीं बहरा है और जो ये मितुर सिंह है ये पहली भेगी कैडी और हम तो बराती काम है और ये छोटा सा बच्चा भाई तेरे को किसने बोला उदार भाई हरिया तो ये है हमारा ठेकेदार और देख बरात रहनी नहीं चाहिए ये तो हमें टिकट दे सुन भूला ओ भूला तू बरेती जान से झूठ नहीं बोला तू कतिक से उसी मगे बता थापे ही नहीं है तू पर बरेती नहीं उचित नहन तो दगड़ियों सब फूल जानी और नना के बरत नील जन से और जबरदस्ती अगिल भैर और टिकट दिन पड़ा तक ना 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 तेरी मम्मी कौन सी है ये वाली कौन सी मम्मी है ये है मम्मी तो दगड़ियों बरात है रोड में और सभी लोग डांस वांस कराने हैगी और ज़्यादातर तुम लोग लगे हो तो आदिम कम श्रेणी ज़्यादा दिखानी बरेती तो आजकल जो है वो ना श्रेणी ज़्यादा जानी बरातों में और आदिम कम जानी तो श्रेणियाँ नजर होनी सब और यूँ ब्योल भैगो गैडी तो पंडित जी लोग भैगी और गुड्डू भाई ड्राइवर से हमार तो यूँ जी हमारा आ जाए दूल्हा तो ब्योल तो यो दादा तुम लोग जानता नहीं जाना बरे दिए बोतो बोले तुम घोत और माशा तो लम रहे अरे जो खो फ्री में पीठिया लागन तो ब्योला गैर जान है दगड़ियो तू क्या के लिए जान मारे एक बरे नहीं जाना यो कैक्स यो बहुत कैक्स जान मारे अच्छा नहीं ना बिठा लो उसको बिठा लो चलो बैठो 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 तो दोस्तों इसको बारात नहीं ले जा रही तो ये रोना शुरू हो चुकी है चलो इसको भी बिठा लो यार कहीं बिठा लो यार बिठा लो यार सभी लोग तो जा रहे हैं इसको भी ले जाओ बारात में जाओ जाओ पीछे बैठो कोई बात नहीं इसमें बैठ जाओ चलो बाबू इसमें बैठो इसको बिठा लो यार बिठा लो अरे यार चलो 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 ये सब तेरे दोस्त लोग हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो रो मत रो मत रो मत रो मत मांगो गाड़ी में गई हो ठीक है ठीक है चलो चलो वही मिल जाएगी तेरी मम्मी मेरी गाड़ी में एक छोटा सा दूल्हा और बैठा है और ये होगा दूल्हे का भाई है ना तो हाँ तो ये लोग सब और जितने भी मेरी गाड़ी में बैठे सब महिलाएं बैठे और बच्चे लोग और एक छोटी सी यही देखो ये रोने लगी इसकी इजाब पहुंच गई होगी दूसरी गाड़ी में ठीक है वहीं मिलाएंगे तेरे को इजाब को हाँ हाँ तो दोस्तों सभी लोग बैठ चुके हैं तो आप चलते हैं बारात आगे चलती है और सभी मेरी गाड़ी भर चुकी है तो सब छोटे बच्चे और महिलाएं बैठी हैं मेरी गाड़ी में सुनीता चल हेटे दगड़ा ते कनी घुमाई लो पंगो
तो दगड़ियो एल हम पहुंच गए धनिया कोट। तो एल के नहीं चौपड़, तो चौपड़ में से दुकान। तो यू ननाग लाग रहा कुरकुरे, तो इन्होंने लीजिए मैं लूड़ कुरकुरे लियो दाजियो। तो सब बच्चे उतर गए हैं, ये देखिए ये भी उतर गया है। तेरे पापा का नाम क्या है? चंदन सिंह। क्या सिंह? चंदन सिंह। चंदन सिंह बता कौन से चंदन सिंह है तेरे पापा का नाम? मेरा नाम भी चंदन सिंह है ना। अरे यार वहाँ जो पीछा लगेगा ना उसका भी क्या खाओगे तुम लोग? लॉलीपॉप भी खाओगे? तुम अपना पापा का नाम बताओ पहले यार। मेरे पापा का नाम तिलोक सुंजला। और ये छोटी सी गुड़िया, तेरे पापा का नाम क्या है? तो ढुलकोट से हम चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं सिमराड़ वाली रोड में। तो पूरी कच्ची रोड है आपको दिखा रहे हैं। तो अभी बारात अभी पूरी पहुंची नहीं, तो हम जो दूल्हे की गाड़ी है ना, तो उसने सामने से कर दी है गाड़ी खड़ी और हम लोग कर रहे हैं जितने भी जो बारात की गाड़ियां हैं उनका इंतजार। तो दगड़ियो यहाँ कर है जो ब्योल बैंड से हिल कर है यहाँ बवाल। तो दगड़ियो ये कहा है जतू बरेती से तुम उतर जाओ मैं भेटू लागिल पे। तो ये अच्छे दगड़ियो दिल्ली वाल एक ही मालूम पहाड़ वाल कदू तेज होनी। तो इसके नहीं हम एक ये आदू रोटम छोड़ जुल और ये रेल यहाँ के कह काफल और के गली जंगली फल वहाँ तो खाना मिलेगा नहीं यहाँ ना। चल बीच में बैठ जाते, चलो इसको बीच में बिठा लो और हम जा रहे हैं आगे को। चलो भाई। तो दोस्तों मौसम यहाँ का बहुत ठंडा है। गुड्डू भाई यहीं के हैं और आने वाला ग्राम प्रधान भी यहीं के हैं। इनका जो गांव है ना बजड़ी, तो बजड़ी झूरा उस तरफ है दोस्तों। और ये गांव नाम के जो गढ़खेत। तो दोस्तों बहुत पैदल आए थे हम लोग और आज पहुँचे हम गाड़ी में। और जो रोड है ना बहुत कच्ची रोड है गढ़खेत। और यहाँ से हिमालय दर्शन भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो इस तरफ कर रखी है बरातियों के लिए चाय पानी की व्यवस्था। तो दो घंटे हो चुके हैं ट्रैवल करते करते, आप पीएंगे यहाँ से चाय। तो दगड़ियो हम पहुँच गए ब्योलीकुर थोड़ा आगे से और हम लोग जो प्रतियाल जी ना चाय पानी व्यवस्था कर रहे थे और चाय में के से और स्नैक्स में ये देख लियो पकौड़ी है और चटनी के साथ थोड़ा नमकीन। और चाय कहाँ है तुम्हारी? वर्जी के चाचा। और दोस्तों यहाँ का जो मौसम है ना बहुत ठंडा है। और ये जो ना चाहिए अच्छा तो दूल्हे के है चाचा ताऊ। तो ताऊ है दोस्तों और इनको पहली और बड़े वाले ताऊ ये है ये है। तो दोस्तों बरात जो आ रखी है थापली से आ रखी है। तो ये सब्सक्राइब नहीं करूँ नाम। तो ये सब दोस्त लोग पहुंच चुके हैं। ये है राइडर लोग सब बाइक से आ रखे हैं दोस्तों। पता नहीं कैसे लाए यार मेरे को हालत खराब हो गई। ये पोगलैंड का वो है ड्राइवर पोगलैंड का। तो दगड़ियो एल हम जानू एक शॉर्ट यो सी ब्योली कूड़ी और हमको ये मिल गई हम मशाप। तो नवीन भाई तो इनका जो है नया ज्वाइनिंग हो रही है टीचर में। तो इनका जो है ना यहाँ पर गढ़खेत गढ़खेत में है ना। चलो बालमदा तो हम जाएंगे यहाँ से नीचे को और सामने है दुल्हन का घर। और यहाँ से जो हमारा गाँव का व्यू आएगा वो आप लोगों को भी दिखाएंगे। और यहाँ से जो हिमालय का ना तो बादल लगे। और ये छोटा सा बालमदा का लड़का तो ये मेरा फैन है यार। ये भी वीडियो देखता नहीं देखता मेरी? देखता हूँ। चल फिर इसके साथ हम जाएंगे और पीठियाँ भी साथ में लगाएंगे ठीक। तो दोस्तों आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये है पहाड़ी डोली। ये है पहाड़ी डोली। तो पैदल रास्ता है तो इसमें बैठ के जाएंगे। और ये जो घराती लड़के हैं तो बड़ी पावर है इनमें दिखाना था। अरे बापरे पता हो चल उठे दे रहा तुम जान का। तो दोस्तों अगर दूल्हा थोड़ा भारी रहेगा तो तुम उठा दोगे? अच्छा तुम नहीं उठाना मतलब? अरे उठा देंगे उठा देंगे गोद में रख ले जाएंगे। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो हमारे जो पहाड़ी युवा है ना बड़े मजबूत होते हैं। जो दूल्हा है ना तो उसको उठा ही लेंगे दो तीन लड़के। तो डोली में फिर जाएंगे हम आगे को। तो मैं आगे आपको दिखाते रहूँगा जो गांव है। और ये देखो सब घराती हो ना तुम? अरे बाप रे ऑल इज राइट क्या है? ऑल इज राइट क्या है यार? सब ठीक है? चल ठीक है सब बढ़िया ओके। तो यहाँ पे एक टावर मिला है BSNL का बहुत बड़ा टावर लगा है यहाँ पे। ये लीजिए इतना बड़ा सा टावर। और कुछ लोग घराती लोग यहाँ पे बैठे हैं। मितुर सा घरेती सा बरेती घरेती सब मिक्स ही हैं। और सामने तो दगड़ियो वो सामने आपको दिख जाएगा खलाड़ गांव। वो सामने खलाड़ गांव है और ये है पंकटरा। और यहाँ से जो दोस्तों मैं परसों गया था ब्रह्मस्थली तो इसके टॉप में ब्रह्मस्थली है। और ये है डुलकोट का गधेरा। तो यहाँ से जो पानी निकलता है डुलकोट कोसी नदी में मिलता है। तो डुलकोट में तबाही मचाता है ये गधेरा जब बरसात में आता है। और यहाँ से जो बजड़ी का धूरा आपको दिखाएंगे बजड़ी धूरा ये सामने दिख रहा है। और सामने सिमराड़ और ये सामने जो है गांव गढ़खेत। तो जो गधेरे से इधर है ये गढ़खेत है और ऊपर है विनायक। तो यहाँ से दो घंटे का रास्ता और है तो यहाँ पहुँच सकते हैं विनायक। बारात आएगी यहाँ से तो मैं पहले पहुँच चुका हूँ। वो सामने रोड है और यहाँ से बारात लोग आ रहे हैं बाराती लोग घराती लोग सब। और दुल्हन का घर है इस तरफ तो पूरा वहाँ से दिखाएंगे आप लोगों को। और
तो दोस्तों मैं अभी पहुंचा हूं दुल्हन के घर के पास। तो ये है दुल्हन का घर, मेरे पीछे से है और कुछ बराती लोग। और यहां पे देखो ये डोली है ना, तो इसमें दूल्हे को ले जाएंगे अंदर। तो ये पहाड़ों में परंपरा है, तो ये लंबा हो जाएगा करके, तो वहां से लोग यहां पे लागे हैं डोली को। और यहां से नज़दीकी है दुल्हन का घर, तो ये रीति रिवाज में आता है दुल्हन को जो है ना दूल्हे को जो डोली में दुल्हन के घर तक पहुँचाना होता है। और यहाँ से जो व्यू आता है हमारा गाँव का, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। और आधे बराती लोग ये पहुंच चुके हैं, जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं पहले पहुंच चुके हैं, तो इनको खाने की पहले रहती है का ख़त्म ना हो जाए करके। और जो भाई साहब जो गड़गड़ का जो नज़ारा है ना यहाँ से, जो तोक में रहते हैं लोग अलग अलग तोक में, तो जिसका घर ये है तो उसकी चकबंदी में उसी का खेत और सब नज़र आ जाएगा। चकबंदी है, अलग अलग तोक में रहते हैं लोग, वहाँ से बजड़ी धुरा दिख जाएगा। और यहाँ से जो विनायक है ना, 2 घंटे का रास्ता है पैदल यात्रा, तो 2 घंटे की जो ट्रैक यात्रा रहेगी ऊपर चढ़ने के, तो 2 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं पहले, बारात आ रही है दोस्तों पीछे से और हम लोग पहले पहुँच गए। और पहाड़ों में जो है ना बारात का स्वागत इस तरह किया जाता है, आप लोगों को दिखाएंगे। तो सभी जो महिलाएँ उनकी बहनें और कलश उन्होंने रखा है सर में कलश, और यहाँ पे मांगे जाएंगे पैसे, तब जाके दूल्हे को एंट्री होगी। और ये रेवन पार्टी जो है पहाड़ों में इस तरह बारात स्वागत किया जाता है। कर रहे हैं गेट पे इंतजार, तो उसका आ चुका है। और यहाँ से जो है रेमन और पिठिया, तो जितने भी बराती लोग हैं तो सबको यहाँ पे पिठिया लगाया जा रहा है। तो मैं भी लाइन पे खड़ा हो जाता हूँ पिठिया लगाने के लिए, सब खड़े होंगे पिठिया लगाने के लिए। ये भाई अपने सब बाहर से आ रखे हैं, अगर इसको कोई जानता है तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में ये है। तो दोस्तों पीछे हो रही बारात स्वागत के लिए, गेट पर जितनी भी बारात पहुंच चुकी है और मैं पहले पहुंच चुका हूं अंदर। तो ये है दुल्हन का घर और यहां पे होगा दुल्हन को होगा दोस्तों, जैसे यहां पर दुल्हन की तैयारियाँ पंडित जी और जितने भी बाराती हैं सब बैठी है यहां पे। तो पहाड़ों में जब बारात पहुँचती है तो दुल्हन को होता है। तो ये है दुल्हन का घर भी और यहां पे जय माता का भी, और ये दुल्हन के लिए सब पंडित जी बैठे हैं। और ये सब बारात की महिलाएँ, सब बाराती महिलाएँ यहाँ बैठी है। आप लोगों को दिखाते हैं पहाड़ों में कैसे करते हैं बारात स्वागत। पीछे घरेती सब घरेती सा भरती सा मी मिथुन ला होना ना मिक्स सा मिक्स सा मिक्स मिक्स नहीं है ना घरेती जी। यहाँ का था तुम क्या अलग सा यहाँ सा के खलाड़ा सा के, मैं तो यहाँ का छू, मैं तो इसे वीडियो बनू रहेगू ना शिमराड़ा का। तो ये गढ़ खेत ना पणजू की जय हो, ये तो होना दुलर का तैयारी। और यूँ जी हमारे उस्ताद साहब पहले तो हाथ मिला दिया, तो इन्हें चली ब्याह से ना ठीक है री। तो दगड़ियों अगर जाके मैं क्या जी भाई इसी क्या खाने की दिक्कत तो नहीं है ना, तो जनू को चेली नहीं मिलाना तो यहाँ मिल जाना। और मुझे कुछ देखा नहीं अगर तो मेरे वीडियो मार्फत अगर जनू को चेली नहीं मिलाना तो यहाँ छी ठीक से। आधे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो है खाना शुरू हो चुका है और यहाँ पे लगा रखा है टेंट। तो ये कुछ पहचान वाले भी मिल गए हैं, पहले तो हाल मिला देते हैं। और दादी सब बढ़िया है नी, चलो तुम गाँव में आएगू यार आज में। और खाना में क्या बना रहे हो बरतियाली जी मुझे देखा सकता, तो पहले तो देखो दगड़ियो स्वीट में जो बना रहा ये अच्छे ये रसगुल्ला और सामने से शाही पनीर है, दाल है। हेलो भाई साहब तो पहचान वाले सभी मिल जा रहे हैं, नमस्कार सब बढ़िया रहा चलो ठीक है। तो आगे दिखाते हैं खाने में क्या है बरातियों के लिए। तो इसमें है चावल है और ये है तंदूरी रोटी, दूसरा है पूरी खुशक सब्जी, सलाद, रायता, अचार। तो दोस्तों खाने में मैंने ले लिया है राइस हो गया और रायता हो गया, एक रोटी होगी तंदूरी और अचार और दूसरा खुशक सब्जी। तो दोस्तों करते हैं खाना स्टार्ट अप, तो समय भी हो चुका है, दिन के 1:30 बज चुके हैं और बारात जो है नज़दीक से आई थी और लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगा दिया हमने थापली से आने में यहाँ पे। तो कच्ची रोड होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं गढ़खेत में पहली बार, तो स्टार्ट करते हैं अब खाना। दगड़ियों वहाँ चल रहे दुलर के और कुछ लोग खाने पीने खानी, और मैं ना वहाँ पर फूल तोड़ भी ले रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया फूल है रहा जी वहाँ ब्योली कुड़ी अखिल पे। तो हम लोग ज़्यादा देर रुकना बारात में,
खैपी बेर हम लोग गैडवाल पहुंचन रोड में, और जो लोग बरती खैपी बेर जल घर तो उनके लिए जुल घर हूँ दगड़ियो टाइम पर। और जो आज मैं यहाँ पहुँचू ना गढ़ के बहुत बढ़िया जैक से, तो टॉप से और यहाँ पे जो ना अगिल बधाण थे, तो यहाँ पर बहुत नज़दीक से बधाण थे, तो बहुत ठंडी लग से। और तुम लोग अगर ये मेरे वीडियो द्वारा अगर तुम लोग गाँव देखो तो ज़रूर बताए कमेंट बॉक्स में, और मैं अगर चैनल पर नहीं छू तो मैं चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया दगड़ियो। तो बाय दगड़ियो, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।